तो एक साल के हेयर ट्रांसप्लांट के जर्नी के बाद आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद एक साल के बाद आपके डोनर एरिया का क्या कंडीशन होता है, किस तरह होता है, कैसा दिखता है। चलिए आज हम आपको दिखा ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। दोस्तों, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने अपने एक साल के हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा जर्नी आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको उसमें बहुत क्लोज तरीके से भी दिखाया था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के एक साल के बाद मेरे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसकी क्या कंडीशन है विद कॉम्बिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखना, मैं इसका लिंक आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के एक साल के बाद अपना जो डोनर एरिया है जहाँ से ग्राफ्ट लिए गए थे उसको आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि अगर सही जगह से आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो इवन आपके बाल छोटे भी हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने टोटल 3500 ग्राफ्स लगवाए हैं, आपको एक रिव्यू दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कॉम्बिंग के साथ भी दिखाता हूँ कि कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों, ये है मेरे एक साल के लिए ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। जो डोनर एरिया है वो आप देख सकते हो अगर आपको, ठीक है। चलिए अब हम आपको विथ कॉम्बिंग भी दिखाते हैं। तो ये था मेरा डोनर एरिया का कंडीशन, बिल्कुल पता नहीं चलता है। यही होता है कि जब आप बेहतर क्लिनिक से और बेहतर डॉक्टर से आप संपर्क करते हैं और वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपका रिजल्ट तो अच्छा होता ही होता है, साथ ही साथ जहाँ से बाल निकाले गए हैं वहाँ पर भी मालूम नहीं पड़ता है कि किस तरह से वहाँ से बाल लिए गए हैं। तो आप इसके अलावा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना। मिलते हैं इससे साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।